क्या आपके पास भी कोई पशु है और आप उसकी भूख बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं? बहुत सारी चीजें खिला दी है, दवाइयां खिला दी है, इलाज करवा लिया है, उसके बाद भी आपके पशुओं की भूख नहीं खुल रही है या भूख नहीं बढ़ रही है। पशु चारा तो खाता है पर कम कम खाता है, बहुत कम मात्रा में खाता है, पानी कम पीता है। आज हम आपके लिए शानदार वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आप पशुओं की भूख बढ़ाना चाहते हैं तो हम जो तरीका बता रहे हैं इस तरीकों को यदि आप अपनाते हैं तो आप पशुओं की भूख आसानी से बढ़ा लेंगे, बहुत तेजी से बढ़ा लेंगे। तो क्या है वह तरीका, बने रहे आप इस वीडियो में अंत तक। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए आज हम बात करेंगे, हर पशु मालिक जो पशु रखते हैं उनके पशुओं में आपने देखा होगा कि ज्यादातर पशु मालिक के साथ में यही होता है, जो ज्यादातर पशु रखते हैं उनमें कुछ पशु ऐसे रहते हैं जो चारा तो खाते हैं पर कम कम खाते हैं, कुछ पशु तो चारा बिल्कुल भी कम कर देते हैं। वो ट्रीटमेंट करवाता है, बोतल लगवाता है, घर पे कई तरीके अपनाता है पर कुछ पशुओं की वो भूख नहीं खोल पाता है। साथियों, उस पशु को किस समय पर किस चीज की जरूरत रहती है यदि आपको ये पता रहेगा तो आप पशुओं की भूख आसानी से खोल लेंगे, वरना आप पशुओं की भूख नहीं खोल पाएंगे। आप महंगी दवाइयां खिला ले, महंगे इंजेक्शन लगवा ले और ज्यादा पशु भूख चली जाएगी। पर आज हम आपके लिए ऐसा शानदार तरीका लाए हैं, मात्र आपको 5 दिन करना है। 5 दिन यदि इस तरीके को अपना लेते हैं तो आप पशुओं की भूख बहुत ही तेजी से खोल लेंगे, चाहे पशुओं की भूख बीमारी से गई हो या पशु बीमार है या किसी कारण से पशुओं की भूख कम हो गई है तो आप उसकी भूख आसानी से बढ़ा लेंगे। तो क्या है वह तरीका हम जान लेते हैं। साथियों, जब भी आपके पशुओं में यह समस्या देखने को मिले तो आपको क्या करना है, मार्केट से बूस्ट अप नाम से जो बोलस आती है, 2 बोलस सुबह और 2 बोलस शाम के हिसाब से लगातार 5 दिन तक देना है। आप देखेंगे कि 5 दिन में आपके पशु की भूख बहुत तेजी से खुल जाएगी, पशु चारा खाने लगेगा, पानी पीने लगेगा, किसी भी तरह का चारा दाना आप डालेंगे पशु खाने लगेगा और भूख आसानी से आ जाएगा। एक बार आप इस तरीके को अपनाएं जिससे आप भी अपने पशुओं की भूख खोल लेंगे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।